तो है गाइस, कैसे हो? तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं। मैंने यहाँ पे आज कुछ चीज़ें की, तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे कि फ़िलहाल अभी अगर आप देखोगे, मैंने जियो का कनेक्शन लेके रखा था, जो कि जियो फाइबर कनेक्शन है, जो कि अभी भी कनेक्टेड है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लेफ़्ट साइड जो है ये जियो फाइबर लैन के थ्रू में कनेक्टेड है, ओके। और राइट साइड जो है ये आपको मोबाइल यूएसबी इथरनेट कनेक्शन है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इसको डिसेबल किया है और मैंने इसको एनेबल किया है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको इशू क्या क्या मुझे फेस करने को पड़ रहा है, जो आपको मैं दिखाता हूँ। एक सेकेंड बस, ये देखिए, ये जो है जियो फाइबर में, ओके, जियो फाइबर पे ये आप देख सकते हो यूट्यूब चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो इसका हॉटस्टार है, हॉटस्टार भी चलेगा, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप देखो, हॉटस्टार वगैरह सब चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है, सब कुछ एकदम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सोनी लिव वगैरह जो भी है, सोनी लिव भी चलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आप देख सकते हो सोनी लिव वगैरह सब कुछ चलेगा, लेकिन लेकिन अभी अगर मैं आपको जो हम लोग का मेन इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू आपको अगर मैं दिखाऊँ वो नहीं चलेगा। जियो फाइबर की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू नहीं चलेगा। और जो मैं एनालिसिस करता हूँ, जिसमें कि आपको मैं दिखाता हूँ ट्रेड टाइगर पे, ये ट्रेड टाइगर है, ओके, इसमें कनेक्ट करूँगा, ये भी कनेक्ट नहीं होगा जियो फाइबर पे। तो ट्रेडिंग व्यू में ना मैं फॉरेक्स देख सकता हूँ और ना मैं इसमें स्टॉक देख सकता हूँ, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। बट अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखना चाहते हो वो बिल्कुल आप देख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। चाहे वो हॉटस्टार हो, सोनी लिव हो या अमेज़न प्राइम हो, कुछ भी हो, आप जो भी एंटरटेनमेंट की चीज़ है लाइक यूट्यूब वगैरह जो भी है, वो सब अगर देखना चाहते हो आप बिल्कुल देख सकते हो। लेकिन अपने को तो ट्रेडिंग से मतलब है, वो ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, बस इतना आप समझ लो, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये टेलीग्राम भी नहीं चल रहा है, इसी वजह से मैं आपको रेगुलर अपडेट भी नहीं दे पा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो कनेक्टिंग कनेक्टिंग एंड कनेक्टिंग ही लिख के घूमता रहता है, ये आप देख सकते हो। तो मैंने इसको फाइनली कल डिसकनेक्ट करवा दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कैंसलेशन हो चुका है। और यहाँ पे ये जियो फाइबर जो है 7 डेज के अंदर अंदर ये कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ ये जो है डिवाइस पिकअप जो है विद इन 3 डेज लिखा है ऑफ कैंसलेशन। जैसे कि कल मैंने इसको कैंसिल किया है, कल हम लोग कह सकते हैं कल 18 जून था, तो वहाँ से आप 3 डेज को ऐड कर लो। आई डोंट नो ये जियो वाले इसको पिकअप करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का फीडबैक मैंने देखा है कि वो लोग पिकअप नहीं करते। एनीवेज अगर इन लोग पिकअप नहीं करेंगे तो फिर इसका भी कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आज मैं फाइनली BSNL ऑफिस किया था, BSNL ऑफिस पे मैंने यहाँ पे अगेन रिकनेक्शन का रिक्वेस्ट डाला था, क्योंकि BSNL ऑलरेडी मेरे पास था, बट तब के टाइम पे जियो नहीं था। तो जब जियो आया तो मैंने फिर इस BSNL को जो है ऑप्ट आउट कर दिया। अब वापस से जब जियो जो है इस तरीके से इशू ला रहा है, तो फिर मुझे अगेन BSNL में ऑप्ट इन करना पड़ा, जो कि फाइनली आप देख सकते हो सब कुछ रेडी है, बस एक्टिवेशन का वेटिंग चल रहा है। जैसे हम लोग एक्टिवेट कर देंगे तो ये मेरा जो है वापस से एक्टिव हो जाएगा। और वैसे भी जियो फाइबर को तो हम लोग निकालने ही वाले हैं, इतना घटिया सर्विस देगा मुझे मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर आप देखोगे कल तो और भी डिज़ास्टर हो गया था, कल देखोगे कल जियो फाइबर तो वैसे भी डाउन था, बट अगर आप मोबाइल नेटवर्क की भी बात करोगे, मोबाइल नेटवर्क में भी ना आपके ट्रेडिंग व्यू चलेगा, ना आपका टेलीग्राम चलेगा, और ना आपके कुछ ये जो शेर खान का जो एप्लीकेशन है ट्रेड टाइगर, ये भी नहीं चलेगा। मतलब इतना ख़राब सिचुएशन था। तो मैं किस तरीके से आपको अपडेट दूँ, कैसे एनालिसिस मैं खुद भी करूँ और कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूँ, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। आई डोंट नो और ये कितना दिन इशू होगा। बस मैं बस इतना विश कर रहा हूँ कि आज जैसे भी करके BSNL अगर एक्टिवेट हो जाता है तो मैं वापस से इसको हम लोग जो है वीडियो बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे, मैं आपको जो है अपडेट भी दे पाऊँगा, ओके। तो टिल देन थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। मुझे ऑलरेडी काफ़ी मैसेज रिसीव हो रहे हैं इसके रिगार्डिंग कि क्यों कुछ एनालिसिस नहीं आ रहा है, क्यों कुछ रिसर्च नहीं आ रहा है। तो आई अंडरस्टैंड योर पेशेंस लेवल, मतलब एक लेवल होता है कि अब उस पेशेंस से ज़्यादा होता है, बट क्या करें यार, ऐसा सिचुएशन आ जाता है कभी कभी, तो उसको भी टैकल करना पड़ता है, ओके। तो चलो देखते हैं
मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज BSNL एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग वापस से जो है एनालिसिस स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू।